हमने सुना है कि आप कोई ड्राउनी सी बनी हुई है कुछ नागन वागन टाइप की वो क्या है <laughs> नहीं खैर नागिन तो बिल्कुल नहीं और सच बताऊँ तो मुझे सांप और नागनों से वैसे ही बहुत डर लगता होता है ना इंसान को तो मेरे एक फेयर है लेकिन कैरेक्टर के लिए आई थिंक वाई नॉट लेकिन ये नागिन नहीं हूँ इसमें मैं मैं एक सुपर नेचुरल बींग हूँ और मेरे इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है दिलनवाज़ में अच्छा तो हम आपको देख के डरेंगे दफा नहीं 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 आपको ये चुड़ैल बहुत अच्छी और खूबसूरत नज़र आएगी वो तो वो तो नज़र आ रहा है <laughs> अच्छा तो लेकिन वैसे <laughs> आप किसी पे किस पे आशिक होने जा रही हैं? हाँ हम बचपन से कहानियाँ सुनते हुए आ रहे हैं दादी से अम्मी से और बाकायदा चुड़ैलों के नाम रख देता हमारे घर वाले गुल्लू बाबा रोटी दे दो माएँ इस तरीके से तो एक फैंटसी थी और मुझे काफ़ी यकीन है, है जन्नात के ऊपर तो मैंने कहा वाई नॉट लेट्स डू इट और मैं इसमें एक लड़के के ऊपर आशिक हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि काश मैं वाकई दिल होती मैं इंसान क्यों हूँ अच्छा चलिए वो तो खैर हमें तफसील जब पता चली कि जब हम नीलम का ड्रामा देखेंगे नीलम इसके अलावा आप फिल्म भी कर रही हो तो फिल्म कहाँ तक आपकी पहुँची फिल्म कंप्लीट हो गई है शुक्र अलहमदुल्ला एंड सुपर सुपर एक्साइटेड देखें क्या होता है और uh, बहुत खुश हूँ लेट्स सी कुछ कह नहीं सकते अभी कब रिलीज़ कर रही है दिसंबर uh, में कहा है लेकिन डेट फाइनल हुई है एंड देन कैंसिल हुई है और अब शायद फिर फाइनल हो जाए तो आई हैव नो आइडिया बिकॉज इट्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड चैनल तो वो जब जैसी पता चलेगा तो मैं बताऊँगी एन आई नो के लोग बहुत वेट कर रहे हैं मैं खुद बहुत वेट कर रही हूँ <laughs> अच्छा नीलम आपने फिल्म ड्रामे तो आप करती रही हो फिल्म में आपकी ये पहली थी ये। तो इसके अलावा और कौन सी फिल्म ये तो हो गई ना अब अब कौन सी आ रही है कोई अच्छी फिल्म करूँगी फ़नी होगी या एक्शन होगा या डिफरेंट होगा तो करूँगी एंड अच्छी फिल्म पे फोकस है फिल्में तो बहुत बन रही हैं एंड स्क्रिप्ट भी, तो भी आते हैं ऑफर्स भी आते हैं लेकिन कुछ अच्छे पिक करूँगी बिकॉज ऑडियंस की एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है एंड ऑफ द डे और मैं वही काम करना चाहती हूँ जो लोग पसंद कर रहे हैं और जो मेरे दिल के करीब हो अच्छा आप मज़ा किस में ज्यादा आ रहा है तो करती रही हो और फिल्म भी होना है।, है आगे जाके ज़्यादा क्या काम करना है है आई लाइक टू से कि ड्रामा की ऑडियंस अलग और फिल्म की ऑडियंस अलग है फिल्म का एक अपना नशा है ड्रामे का एक अपना नशा है मतलब मजा है और और हर कोई इंजॉय करता है मेरा तो ये ख्याल है कि मैं ड्रामा कभी नहीं छोड़ सकती बिकॉज ये मेरे ब्लड में है कभी हमने देखा था डांस अब लोग जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने फिल्म में भी बड़े लटके झटके दिखाए नहीं वो फिल्म के लिए नहीं थे वैसे वो तो मेरे अपने लिए थे मैं मैं अपनी लाइफ में ऐसी हूँ फन लविंग मुझे बहुत मजा आता है एंजॉय करने में मैं बोर नहीं रह सकती मैं बातें किए बगैर नहीं रह सकती तो जो अपनी जो फिल्म है उसमें ऐसे लटके झटके ऐसे गान वो तो देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन रोमांटिक सॉन्ग है और, और अच्छे सीन्स आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे फुल कॉमेडी यू विल एंजॉय अच्छा हमने तो सुना था वो शायद हम समझे वो टीज़र है और आप जो है वो टीज़र देना चाह रही हैं ओ विद बड़ा कॉम्प्लीमेंट थैंक यू सो मच लेकिन यह है कि मैं वीडियो से मुझे बड़ा फ़ायदा भी हुआ है एंड बड़ा नुकसान भी हुआ है अब हर तरह के लोग मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं फ़ायदा इस तरह हुआ है कि लोगों को मैं याद हूँ तो मुझे लगता है यार मैंने कोई और काम नहीं किया सिवाय इस वीडियो के सो ये सोशल मीडिया का भी एक अपना क्रेज़ है एंड अब तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया के लिए नहीं थी वो मेरे अपने लिए थी किसी फ्रेंड ने निकाल दी तो निकाल दी कोई बात नहीं उसके अंदर कुछ बुरा नहीं है मैंने इंजॉय किया बहुत और लोगों ने इतना पसंद किया सो थैंक यू अच्छा देट वॉज बहुत अच्छा था अच्छा। तो अब आप हाँ तो आप मतलब नेक्स्ट करो हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है <laughs> और फिल्म में अब आपकी नेक्स्ट फिल्म में अब डांस वाला नंबर कब होगा ओ oh माई गॉड ओ फल्ला इतना मुश्किल सवाल पता नहीं देखे मैं बहुत मूडी ही हूँ मूड होगा तो बस आला मूड नहीं होगा तो बाय सो लेट सी चले थैंक यू नीलम thank की uh, डांस के साथ नीलम की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है ये बात